हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो क्या हालचाल है? एग्जाम तो आ गई है सबकी। बात कर रहे थे ना, एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब हुई। सरप्राइजिंग न्यूज मिल गया। चलिए, तो अब तो जो भी बचा है बस उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जो बचा हुआ है यानी कि जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए और उतना का ही टेस्ट लगाइए, ठीक है। उतना से ही टेस्ट दीजिए आप, और जो भी आपका रिजल्ट आता है उन्हीं अनुसार जो है और ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी ये माइंड में नहीं डाल लेना कि मेरा इस बार रिजल्ट नहीं होगा। होगा, अभी 20 दिन बहुत काफ़ी है। 20 दिन, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे यानी कि आपके पास कितने घंटे हैं? 480 घंटे हैं, ठीक है। 480 में से आधा निकाल दीजिए आप। अगर 280 घंटा का आप अगर सही से इस्तेमाल कर लिए तो समझिए आपका रिजल्ट एक अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, ठीक है। भले आपको मंदपसंद ट्रेड ना मिले लेकिन एक अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, ठीक। तो चलिए, हम तो यही कर सकते हैं ना कि आपकी हेल्प करेंगे पढ़ाने में, तो चलिए हेल्प करते हैं। बाकी तो आप लोग का ही है कि कितना मेहनत करते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो करवा रहे थे आप लोगों को, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जूम पर तो क्लास ख़त्म हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो चलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं। पिछले क्लास में होमवर्क दिए हुए थे, ऑक्सीजन गैस इतने अणु का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। O2 गैस का जो है इतना अणु यानी कि कण आपको दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। कौन कौन लोग बना लिए थे, हाथ उठाइए एक बार। कितना आंसर लगाए थे इनका, चलिए बताते हैं। जिनसे बना उससे वो भी देख लीजिए, जिनसे नहीं बना वो तो देखिए। देखिए किसी भी परमाणु कोई भी हो, ठीक, उसके एक मोल में जो है, कोई भी तत्व के एक मोल में कितने कण होंगे? 6.022 गुना 10^23 अणु या परमाणु होंगे, ठीक है। ये कण हुआ, ठीक, तो इतने होंगे। ये बात सबको समझ में आ गई। अब बताइए किसी भी तत्व कोई भी होता है, चाहे वो हम ऑक्सीजन ले लें, इसके एक मोल में कितने द्रव्यमान होते हैं इनके? ऑक्सीजन के एक मोल के कितने द्रव्यमान होते हैं? जो इसका आण्विक द्रव्यमान होता है वही इसका एक मोल का द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए? 16, ठीक। तो 16 ग्राम हो जाएगा इसका एक का, और यहाँ पर O2 दिया हुआ है तो O2 का कितना हो जाएगा? एक मोल का 16 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? O2 यानी कि 2 है तो 2 कितना हो जाएगा? 16 × 32 ग्राम, ठीक है। तो इतने जो है O2 के इतने अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 32 ग्राम होगा। अगर सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ O रहता, O2 ना रहता, तो क्या होता? 16 ग्राम होता, ठीक है। तब आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन O2 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए फ़ैन तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक साउंड अच्छा खासा जा रहा होगा, बताइए। तो सभी लोगों को चल सकता है ना? गर्मी बहुत है तो फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा वॉइस आप लोगों तक पहुँचाने की। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है ये आपको बतानी है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, कोई बता सकते हैं? परमाणु की त्रिज्या जो होती है, किसी परमाणु की त्रिज्या 10^10 क्या होता है? -10 मीटर, ठीक है। और नाभिक की अगर त्रिज्या की बात किया जाए, नाभिक की त्रिज्या की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 10^-15 मीटर, ठीक है। अगर इसको cm में लिखे तो 10^ बोलिए, माइनस वाला है तो नीचे घट जाएगा 8 cm, ठीक है। ये हो गया आपका
परमाणु त्रिज्या और ये हो गया नाभिक त्रिज्या। ऐसा नहीं समझिएगा 10^-15 नाभिक तो छोटा होता है तो इतना ज़्यादा क्यों, ये माइनस वाला डाटा है, ठीक है। माइनस वाला जितना बड़ा मतलब उतना छोटा, और इसको अगर सेंटीमीटर में बदले तो 10^-13 सेंटीमीटर, ठीक। तो दो त्रिज्या पूछी जा सकती है, दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या होती है। देखिए हाइड्रोजन केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो समझिए कि इसका जो नाभिक होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक, क्या होता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसको मिटा दें, हम स्क्रीनशॉट मार लीजिए सभी लोग एक बार, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इनका जो त्रिज्या होती है हाइड्रोजन का, इनका त्रिज्या कितना होता है, अगर एंगस्ट्रम में बात करें तो 0.53 या पूरा का पूरा अगर लिखना चाहे तो 29 आता है, इसीलिए 3 लिख देते हैं सभी लोग, ठीक ना। इतने एंगस्ट्रम होते हैं, और आपको पता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10^-10, पता है ना। तो इसको अगर मीटर में निकाले तो ये मीटर में ही निकलता है, एंगस्ट्रम जो है मीटर में निकलता है, 10^-10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है, ठीक। इसको अगर लिखे तो 0.529 गुना 10^-10 मीटर, लेकिन हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ वो सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में ले आते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में ले आएंगे तो माइनस अगर रहेगा तो घटेगा, अगर प्लस रहेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 का अगर नीचे में बढ़ेगा तो माइनस, ऊपर में माइनस 2 हो जाएगा 10^-10। तो चलिए क्या हो जाएगा आपका 529 गुना 10^, ये प्लस वाला है और ऊपर में माइनस वाला है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10^-8 cm। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन मिला क्या, चलिए टिक मारिए सी नंबर में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए सभी लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट दीजिए आप लोग, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो बायोवर्ल्ड की तरफ से लाया गया है उसमें डेली टेस्ट लगाइए, बिल्कुल कम फी रखें, केवल 50 रुपया फी रखें टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपको डेली रात में 10 बजे टेस्ट होती है। रात में 10 बजे टेस्ट क्यों, क्योंकि आपको अब रात में 12 बजे तक पढ़नी है और सुबह 5 बजे जगनी है। तो जब तक ऐसा ऐसा टास्क नहीं देंगे जिसके लिए आपको जगना पड़े, तो क्या पता आप खा के जो है सो जाइएगा, ठीक ना। तो सभी लोग जो है टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सिर्फ 50 रुपये को मत देखिए, टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फटाफट से। अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यहाँ पर जो है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वैसा विद्युत चुंबकीय विकिरण आपको चूज करना है, इनमें से कौन सा है बता सकते हैं, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पर आपको वेवलेंथ जाननी होगी, किसका वेवलेंथ कितना होता है। तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है इसका जो वेवलेंथ होता है कितना होता है, वेवलेंथ कोई बता सकते हैं, 10^ एक मिनट थोड़ा सा मैं पेन को डार्क कर ले रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखाई पड़े, 10^-7 to 10^-9, ठीक है। कितना होता है एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है 10^-7 to 10^-9 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक्सरे के बाद यूवी रे, जिसको पराबैंगनी किरण बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इसका कितना होता है कोई बता सकते हैं,
बताइए बताइए। फोर गुना 10^-5 से लेकर के कहाँ तक होता है? 4×10^-7। तो सिर्फ हम यहाँ पर लिख देते हैं 10^-7, ठीक है। उसके बाद कौन सा रे बचता है आपका? यूवी रे हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? इन्फ्रा रे, जिसको अवरक्त किरण बोलते हैं, IR। इन्फ्रा रे की जो है कितनी होती है को बता सकते हैं? 0.01 से कहाँ तक? 7×10^-5 तक, ठीक है। कहाँ तक? 10^-5 cm तक इसकी वेवलेंथ होती है। अब बात करते हैं हम रेडियो तरंग की, ठीक। रेडियो तरंग की, रेडियो तरंग की जो आपको वेवलेंथ होती है वो कितना होता है? मोर देन 10 cm। 10 cm से अधिक। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हुआ बताइए? रेडियो तरंग की ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक ना। तो इस डाटा को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन आता है ना उसको आप रखिए। प्रत्येक संडे को हम लाइव 2 बजे आएंगे और आपके सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। वहाँ पर जो आपको अदर एग्ज़ाम या कुछ और चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वैसा क्वेश्चन आप पूछिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, वहाँ पर हम लाइव आते हैं, जो भी स्टूडेंट जो भी बात करना चाहते हैं उन वो क्वेश्चन देखने आते हैं, ठीक है। तो संडे को 2 बजे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक 4D इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं सही सेट दर्शाता है? देखिए रात में यही क्वेश्चन करवाए थे ना, क्वांटम नंबर करवाए थे ना और उसका चारों टाइप लिखवाए थे ना, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। इस बार हो सकता है बिहार पैरामेडिकल का क्वेश्चन जो और डीप ले जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन करने से कतराइए मत, ठीक। साइंस में क्वेश्चन जितना अधिक तक हो सके कीजिए। मैथ का क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे कभी कि डीपली पढ़िए, क्योंकि मैथ आप मेडिकल फील्ड से हैं तो मैथ में उतना डीपली नहीं जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ को पढ़ लेना है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने रात में आपको कितने टाइप के क्वांटम संख्या बताए थे? 4 टाइप के बताए थे। पहला क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है, जिसको मुख्य क्वांटम बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम का नंबर दिया हुआ है 4। 4 दिया हुआ है तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, ठीक। ये हो गया KLMN, ठीक, ये कक्षा को दर्शाता है। अब D4 दिया हुआ है, मतलब किस में है आपका? N में है, N में है ना। फिर आपको सेकेंड वाला क्या हम बताए थे? सेकेंड वाला बताइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताए थे ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज को दिखाता है? सबसेल को दिखाता है, SPDF जो है सबसेल उसको दिखाता है। K में क्या होता है? 0। L में, L में कितना? 1, बिल्कुल राइट। और M में 2 और N में 3, ठीक है। N में क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद आपको क्या बताए थे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या वेरी करता था? -L से लेकर के +L तक वेरी करता था, ठीक है। इसमें लिख लीजिए SPDF। ये क्या करता था? -L से लेकर के +L तक वेरी करता था, -L टू +L।
और लास्ट में जो था वो था आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में तो कोई टेंशन ही नहीं था, एक बार प्लस में 1/2 और एक बार जो था माइनस में 1/2। ठीक है, इतना देख लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 4D, तो आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए, ये जो है ये आपका क्या है, कक्षा है, और ये क्या है, ये डी जो है ये है उपकक्षा। ठीक है, तो कक्षा 3 में कौन सा आ जाएगा, देखिए कक्षा 4 तो 4 लिखा ही जाएगा, n=4, लेकिन डी क्या है, उपकक्षा, तो डी में हमें आकर के देखना होगा। डी का मान क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा जो सीरीज मिला पहले, ठीक है, हमारा जो सीरीज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ तो ये वाला तो है ही पेन, हम एक अलग पेन ले लेते हैं, चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं। पहला जो हमारे पास सीरीज मिला वो मिला 4, क्योंकि कक्षा नंबर 4 दिया हुआ है तो 4 तो मिल ही गया। दूसरा डी है, यहाँ पर देखिए डी, डी का मान कितना आता है, 2 आता है, तो 2 हमने ले लिया। अब आता है तीसरा जो है वो हमारा आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, या तो हम प्लस की तरफ जा सकते हैं या माइनस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, दो काम हो सकता है। तो यहाँ तक हम ऑप्शन मिलाते हैं आकर के, तो पहला हो गया आपका 4-2, तो 4-3 वाला आंसर पहले ही ऑप्शन कट गया। अब बच गया इधर आपको, देखिए ये दोनों ऑप्शन बच गया। और ये बताइए अंतिम में जो आपको ये बताए हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें तो दो ही है ना आंसर, या तो प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 कर दिया है, तो ये भी कट जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पकड़ने का है, अगर आप 2 को पकड़ लिए, शुरू वाला 2 को आप निकालना सीख गए, तो अंतिम वाला तो आपका निकला हुआ ही, या तो प्लस वाला या माइनस वाला रहेगा। और ये प्लस माइनस किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन को सजाया जिस तरफ में जाता है, जैसे क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस वाला आएगा और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस वाला आएगा। तो इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। जो लोग पेड कोर्स किए हैं बायो वर्ल्ड का, उनको कुछ समझ में आ गया ना पूरा। जो स्टूडेंट कोर्स नहीं किए, यहाँ पर अगर उनको किसी प्रकार की समझने में दिक्कत आ रही है तो बोलिए, और फिर जो है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक, क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, उसके बाद चुंबकत्व का प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उनका 4 है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जल्दी से बनाइए इसको। हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संक्रमण में से किस संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। संक्रमण क्या होता है कि जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाती है तब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा को वो अवशोषित करते हैं तो उसे संक्रमण बोलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, डेल्टी ई बराबर क्या होता है, RH ले लेते हैं। RH क्या है, कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें जो होता है वो 1/ni² इनिशियल स्क्वायर माइनस में 1/final nF होगा। एक सेकेंड, nF² यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना और जहाँ तक गई, ठीक है, nF² यानी कि फाइनल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल जो स्टेप है वहाँ तक गया। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए, n क्या है, नंबर ऑफ कक्षा है। ठीक है, तो इससे आंसर निकालिए, अगर आप लोग आंसर निकाल पाते हैं तो। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी कीजिए। सॉल्व कर पा रहे हैं तो कीजिए। थोड़ा सा हैवी टाइप के न्यूमेरिकल लाए हैं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि नर्वस हो जाइए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ सकती है तो इसीलिए हम करवा दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा बोलिएगा कि सर आप तो हैवी न्यूमेरिकल करवाए नहीं थे।
देखिए डाटा चेंज रहेगा, इसी टाइप सब का सवाल रहेगा अगर 2020 वाला पैटर्न को रिपीट किया तो, ठीक है। अगर 2019 वाला पैटर्न को रिपीट किया तो क्या होगा कि बहुत सारे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी डाला जा सकता है, ठीक ना। तो आपको हमारे चैनल पर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। जीके के तो अभी तक जो है 46 लेक्चर हो चुके हैं और प्रत्येक लेक्चर में कम से कम तो 20 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, कम से कम, ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चन। तो सोच लीजिए कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अभी आप बायोवर्ल्ड के इस क्लास खत्म होने के बाद बायोवर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, सॉरी, सारे जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको बारी बारी से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को नहीं बना, चलिए मान पुट कीजिए ना। यहाँ पर N1 में जो है NI वाला में फर्स्ट मान पुट करना है, जो फर्स्ट कक्षा है उनका, जहाँ से वो निकलना शुरू किया है। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया है। ठीक, तो चलिए इसमें हम मान पुट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को रख के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम रखते हैं तो 1/1 का स्क्वायर और माइनस में 1/2 का स्क्वायर, अगर इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा, 0.75, ठीक है, ये आपको रिजल्ट निकल के आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1 को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगी, ऊपर में 4 - 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 आएगा। 1/4 को कीजिएगा तो कितना है, 0.75, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑप्शन को लेकर के हम देखते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, 1/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/3 का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर आपको निकल के आएगा 0.0, ये सभी जूल में आएगा क्योंकि ऊर्जा है, ठीक है, इतना ऊर्जा को अवशोषित करता है वो। अगर कक्षा 1 से 2 में जाता है तो 0.75 जूल ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि ऊर्जा खत्म होती है, ठीक है। तो इसका जो आपको आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 0.12 जूल आएगा, ठीक है, 12 जूल आएगा। चलिए अगला देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट ऑप्शन देखा, सेकंड ऑप्शन देखा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1/∞, चलिए 1/ तो नहीं लिखेंगे इसको, डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर, इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, इन्फिनिटी का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इनका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, -1 जूल, कितना आ जाएगा, -1 जूल। इसका मतलब समझे आप, माइनस में आ गया मतलब ये उत्सर्जित किया, आते जा रहा है, ठीक है, और इस कक्षा में जो पहुंचा तो वो उन्होंने जितना ऊर्जा अवशोषित किया उससे ज़्यादा उत्सर्जित कर दिया, ठीक है। उत्सर्जित ऊर्जा इसका कितना है, 1 जूल है, ठीक, तो ये अवशोषित वाला तो डाटा हुआ नहीं। चलिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं, अगला जो है वो है क्या है आपका, n बराबर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस में 1/5 का स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.071 जूल। अब बताइए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में लग रही है, 0.75, ठीक है, तो ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। सभी लोग आंसर शॉट ले लिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिए।
आंसर का स्क्रीनशॉट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Fe2+ कोस्ट में इतना Fe का दे दिया है परमाणु संख्या में, d इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, ठीक है। Fe2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें जो d उपकक्ष है, d उपकक्ष उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Fe2+ के d उपकक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किस में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगी, और बाकी सबका भी जो है हमें एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पड़ेंगे। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जो है सोच समझ के और थोड़ा सा धैर्यता के साथ आपको बनाना होगा, तभी जा करके आंसर मिलेगा, नहीं थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो गलत हो जाएगी, ठीक है। देखिए एफ ई का था 26, एफ ई का कितना था, एफ ई का 26, ठीक है। परमाणु संख्या कितना था इनका, 26 था, लेकिन इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये Fe2+। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 26 में से दो गया 24। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आती है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आती है। तो यहाँ पर 2 प्लस आया, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की त्याग करी है, ठीक है। चलिए अब इसका यहाँ से हटा देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, Fe यानी कि 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई बता सकते हैं क्या होगा, फास्टली बताते चलिए, हम लिखते जा रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2 3p6 और 3d6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कक्षे हैं, अब बोला जा रहा है यहाँ पर क्या बोला था, d में जितना इलेक्ट्रॉन है, d में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बोला जा रहा है Ne के जो है p कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इसके बराबर, Fe2+ में जितना d कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उतना ही Ne के p कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कक्षा नहीं उपकक्षा बोलेंगे। तो चलिए Ne का भी देख लेते हैं जो सही है कि गलत है। इसका परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, परमाणु संख्या 10 लेकर के हम लोग देखेंगे। चलिए 1s2 क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर देखिए 3d6 और 2p6, मतलब ये तो बराबर हो गया, ठीक है। बोला गया था कि 4 इलेक्ट्रॉन का जो है Fe2+ में d में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है Ne के p उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो बात सही है, p में भी 6 है और उसके d में भी सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किस में नहीं है, नहीं वाला हमको ढूंढना है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, ऑप्शन मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम के s कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके d के बराबर है, 12 है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तब ना हो गया 4 और 6 10 और 2 12, ठीक है। टोटल s की गिनती करनी होगी ना, 2 2 4 और 2 6, तो s जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। s भी इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 6 उसके बराबर हो गया।
चलिए आखिरी ऑप्शन जो है वो है सीएल। सीएल का देखते हैं, सीएल कितना है 17। चलिए इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये होता ना 3p5, 2 4 10 और 10 7 17। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के 17 ही होता है, जबकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्लोरीन के पी में, पी सबसेल में। तो पी सबसेल में देखिए अंतिम में पी है, ये तो फुलफिल है, और अंतिम वाला जो पी है उसका देखिए क्या है, एस तो हमें बोला नहीं गया कि हम सबको जोड़ लेंगे, लेकिन पी बोला गया तो पी में यहाँ पर 5 ही है, जबकि यहाँ पर जो है एफ ई में जो है जिसका कंपेरिजन करना उसमें 6 है, तो ये बराबर नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर की, सी एल के पी उपकक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके एफ ई 2+ के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी कि डी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा कण के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, बीटा कण के बराबर होता है, जो बीटा कण पर आवेश होता है वही आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान है। सबसे पहले तो आपको अमोनिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक, इसका जो आपको द्रव्यमान निकलेगा कितना निकलेगा बता दीजिए, इसका नाइट्रोजन का हो गया आपको 7 × 14 प्लस में 3 हाइड्रोजन है तो 3 बढ़ जाएगा इक्वल टू 17 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल में ये 17 हुआ तो 5 मोल में कितना होगा, किसी भी आपको हम बताए ना किसी भी तत्व यौगिक जो भी हो उनका जो एक एक्चुअल जो उसका आण्विक द्रव्यमान होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है, तो इसका आण्विक द्रव्यमान कितना निकला है, 17 ग्राम निकला है, तो ये 1 मोल का भी है, ठीक है, 1 मोल इसको आप बराबर में 1 मोल बोल सकते हैं, ठीक, 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना हो गया 17 ग्राम, तो 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 × 17 17 × 5 85, ठीक है, ग्राम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, डी हो जाएगा क्या। ऐसे ही कितने भी क्वेश्चन 10 मोल 20 मोल 50 मोल, ठीक है, कितना भी दिया जाए तो हो जाएगा ना, अगर बोल दिया जाए 1 मोल, ठीक है, 1 मोल शरबत, 1 मोल शरबत में कितने अणु पी गए, कितने अणु पी गए, 1 मोल शरबत में शरबत का कितने अणु पी गए, तो क्या बताइएगा, 6.022 × 10³ अणु हमने पी लिया अगर 1 मोल शरबत पिया तो, ठीक है, तो ऐसे दिमाग में बैठा के रहना इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क देते जा रहे हैं, 294 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल उपस्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक, क्योंकि ऐसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप सॉल्व करके कमेंट में पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर अगला लेक्चर जो आप लोगों की आएगी तो फिर इसको इसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को YouTube पर जो लेक्चर आएगी यही आपको 6:30 में आएगी, ठीक ना, 6:30 में इवनिंग में जो है YouTube पे आएगी, बाकी जो Zoom पर जो क्लास पहले से चल रहा था वो तो चलेगी ही चलेगी, और टेस्ट सीरीज जो है रात के 10 बजे होगी, ठीक है। देखना चाहते हैं हम लोग कि कौन कौन से बच्चे जो है अभी भी उसके मन में थोड़ा भी है, तो वो लोग 10 बजे क्या रात में 12 बजे भी टेस्ट कर दे तो भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक ना, जिसको पढ़ना है जिसको एग्ज़ाम देना है।
तो कोई एक्सक्यूजेज नहीं होनी चाहिए, रात हो जाती है, नींद आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। अगर आप चाहेंगे तो आप 20 दिन के लिए रात दिन भूल जाइए कि रात भी कुछ होती है और दिन भी कुछ होती है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आप लोग जितने भी क्लास हो चुके हैं प्लीज़ उसको रिविज़न कर लीजिए, ताकि आप कम से कम 30-40% क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। कम से कम रिवीजन कर लीजिए, बायो वर्ल्ड के जितने भी लेक्चर्स दिए गए हैं सभी को कम से कम एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप कैपेबल हैं, अभी से 20 दिन है, आपके पास कितने आवर है वो तो हमने शुरू में ही बता दिया, तो उसका सही से अगर यूज कीजिएगा तो एक बार क्या दो बार भी बायो वर्ल्ड के सारे लेक्चर्स को रिवीजन मार सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।